नमस्कार, यूपी 32 न्यूज में आपका स्वागत है। फिर से आज के मुख्य समाचार। से नागरिक पार्टी एक साथ सांसद प्रत्याशी उमर खान को पार्टी द्वारा प्रत्याशी बनाया गया। उमर खान हाई पार्टी के पदाधिकारियों से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जनता ने इस बार उमर खान को खुद खड़ा किया है। पर हर प्रत्याशी अपनी मर्जी से खड़े होते हैं, पर उमर खान नागरिक पार्टी एकता के प्रत्याशी को जनता ने चुना है, उनको खड़ा किया है। कहा गया है कि आप नौजवान हैं, शिक्षित हैं, आप ही हम लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं, आप ही हमारे नेता बनेंगे। श्यामू शुक्ला जी ने कहा कि इस पार्टी में जातिवाद नहीं है और सबको एक समान देखा जाता है, इसलिए मैं इस पार्टी में जुड़ा हूं और जुड़ा रहूंगा। शोएब जी ने कहा कि मैं उमर खान के साथ में शुरू से लगा हूं और लगा रहूंगा कि उमर खान एक सच्चे और ईमानदार नेता हैं और यही कुछ गरीबों के लिए भला कर सकते हैं। मैं सुख दुख में और तन मन धन से इनके साथ रहूंगा। साथ उमर खान जी ने यह भी कहा कि मेरा इतिहास उठाकर देख लीजिए, मैं हमेशा गरीबों के साथ खड़ा रहा हूं, सुख दुख में लोगों के साथ खड़ा रहा हूं। मैं दिखा दूंगा कि ऐसे कैसे काम कराया जाता है, नागरिक समझा कैसे बनवाया जाता है। नागरिक एकता पार्टी जीत के आऊँगा, मैं जनता के बीच जाऊँगा कि जनता के साथ रहने में मुझे बहुत सुकून मिलता है। लखनऊ से पार्टी को आगे बढ़ाना मकसद होगा और इस देश की सेवा करना सबसे बड़ा मकसद। पार्टी के साथ साथ जन सेवा की जाए, लोगों के साथ खड़ा हुआ जाए, लोगों की मदद की जाए, किसानों के लिए बात की जाए। जो बुरा हाल किसानों का है वो किसी से छिपा नहीं है, पूरे प्रदेश में जो हाल किसानों का है वो किसी से छिपा नहीं है। खेतों में कुछ नहीं हो रहा, उनकी सब खाए जा रहे हैं। किस वजह से आपको समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़ी है? समाजवादी पार्टी में मैंने देखा कि मैंने बताया कि भ्रष्टाचार का बहुत ज्यादा है, वहाँ एक सही आदमी के लिए रहना बहुत मुश्किल है। जातिवाद पार्टियों की वजह से बहुत ज्यादा होती है, चाहे वो समाजवादी हो चाहे बसपा हो। इन दोनों पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा जातिवाद बढ़ाया है जिसके लिए हम सोच नहीं सकते, तो इसलिए इन पार्टियों में रहना मुनासिब नहीं है। जो जातिवादी पार्टियां हों उनको हम चुनाव चिन्ह हमारा चुनाव चिन्ह टेलीविजन और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली लाइफ में लोग ज्यादा से ज्यादा वोट देकर हमें बनाए। मेरा नाम श्याम किशोर शुक्ला है, मैं नागरिक पार्टी से मैं नागरिक पार्टी के प्रदेश सचिव हूँ। तो आप कहाँ के रहने वाले? मेरा करोन ग्राम है। तो आप किस लिए मतलब बच्चे में चुने? देखिए, आज जो देश के अंदर राजनीति हो रही जात धर्म मजहब को बांट, तो जो नागरिकता पार्टी का जो उदय हुआ है वो जात धर्म और मजहब से अलग हटके काम है। क्या काम है जो आप उपाध्यक्ष हैं? मैं इसका प्रदेश सचिव हूँ। इसमें क्या काम करते हैं? इन लोगों को जोड़ने का काम करता हूँ। समाज के अंदर जो कुरीतियाँ पैदा की जा रही हैं, खंडन किया जा रहा है, तो देश को एक दौर से जोड़ने के काम। ये देश का विकास या घर का विकास या कहीं का विकास है तो वो एकता से ही होगा, अखंडता से नहीं होगा। देश को बांटने से विकास नहीं होगा, घर को बांटने से विकास नहीं होगा। विकास सबको एक मंच पे आना होगा तभी विकास संभव होगा। वो सलीम खान जी ने प्रण कर लिया है कि नागरिकता पार्टी के उदय हो चुका है, ठीक वो ये करके रहे, दुनिया रहे न रहेगी सब नागरिकता।